एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश से आ रही ये ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है लोगों से अपील, लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर लें हिस्सा। नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में सहयोगी बने। बढ़ चढ़ कर लें हिस्सा, ये अपील रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में सहयोगी बने। तो यूपी में आज चौथे चरण के लिए मतदान, 59 सीटों पर, 9 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल। लखनऊ से सांसद भी हैं राजनाथ सिंह और वोट डालने आज पहुंचे और वोट डालने के बाद उन्होंने प्रदेश के लोगों से भी अपील की है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ कर ले हिस्सा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बने सहयोगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वोट डालने के बाद राजनाथ सिंह ने लोगों से ये अपील की है कि बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लें। जारी है और मैं जिस बूथ पर हूं उस पर लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। उनकी फ्लीट अभी यहां बूथ पर पहुंचेगी और इससे पहले उनके बेटे पंकज सिंह जो नोएडा से विधायक हैं वो परिवार के साथ अपना वोट कास्ट करने पहुंचे थे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 300 पार बीजेपी अब की बार सीटें जीतेगी। राजनाथ सिंह की फ्लीट पहुंच चुकी है, राजनाथ सिंह वोट कास्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के गृह मंत्री रहे हैं और वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लखनऊ और उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह की बड़ी पैठ मानी जाती है, ठाकुर समाज और पिछड़े समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह, अपना वोट कास्ट करेंगे। यहीं के वोटर माने जाते हैं राजनाथ सिंह और उनके बेटे इससे पहले वोट कास्ट करके गए थे, उनका परिवार उनके साथ था। यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार है, उसके कामकाज हैं, उसके आधार पर वोट डाले जाएंगे। ये देखिए राजनाथ सिंह ये वोट कास्ट करने पहुंचे हैं और उनकी जो फ्लीट है वो अब पहुंची है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, देश के रक्षा मंत्री हैं तो अमूमन इस तरीके की सुरक्षा लाजिमी है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, धीरे धीरे वोट परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ संजीव कपासिया, खबर फास्ट, लखनऊ। गजों का लगातार जो है बूथ पर पहुंचना जारी है। आपको बता दें कि पंकज सिंह जो हैं राजनाथ सिंह के बेटे, उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये कहा कि, और नोएडा से उम्मीदवार भी हैं पंकज सिंह, उन्होंने लखनऊ में मतदान किया। उन्होंने कहा कि हमें 350 के आसपास सीट मिलने वाली हैं। हमने विकास के लिए जो काम किए हैं और अपनी पहचान, संस्कृति और परंपराओं को बचाने और बढ़ाने के लिए जो काम किया है, उन सब चीज़ों को जनता ने स्वीकारा है और उसी के आधार पर बीजेपी को वोट मिलने जा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार का चुनाव सुशासन और विकास के मुद्दे पर है। रक्षा मंत्री और बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह ने इस बार का चुनाव सुशासन और विकास के मुद्दे पर बताया और कहा कि इस मामले में हिंदुस्तान में अगर कोई अव्वल पार्टी है तो वो बीजेपी है। सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि भारी संख्या में मतदान करें। और गुरुग्राम से आ रही इस बड़ी